Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read poem Don't Quit of your new English fairy book. This is given on page number 13. Warm up exercise. What would you do in these situations? आप इन परिस्थितियों में situations में क्या करेंगे? Tick your option for each situation. आपको उस करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है जो आप ऐसी सिचुएशन में फंस कर लेंगे. Also give a reason for your choice in each case. और आपको कारण भी बताना है कि आपने इसे क्यों चुना. So let's do it. First one, you have come to visit your dearest friend who stays on the fifth floor of a multi-story building. आप अपने दोस्त से मिलने आए हैं जो एक multi-story building के पांचवें फ्लोर पर रहता है. But you find that the lift is not functional. लेकिन आपको आकर पता चलता है कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है. अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? First, you decide to go back home and come back later. पहला ऑप्शन क्या है? आप ये निर्णय लेंगे कि अभी घर चलते हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे. और ऑप्शन बी क्या है? यू टेक अ डीप ब्रेथ एंड टेक द स्टेयर्स. आप एक गहरी सांस लेंगे और सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देंगे. तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए आप अपने आप से डिसाइड करेंगे. मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है बी, क्योंकि फिफ्थ फ्लोर कोई इतना ऊंचा नहीं है जिसे आप नहीं चढ़ सकते. तो आपको एक गहरी सांस लेकर सीढ़ियां चढ़कर अपने दोस्त से मिलने चले जाना चाहिए. Now second, your parents ask you to get ready to go for a film. आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि फिल्म देखने के लिए तैयार हो जाइए. That you had set your heart on watching in a cinema hall. जिसे सिनेमा हॉल में देखने का आपने मन बना लिया था. Suddenly there is a heavy downpour. और अचानक तेज बारिश होने लगती है. Your father thinks that it is not advisable to drive in such torrential rain. और आपके पिताजी सोचते हैं कि इतनी तेज बारिश में गाड़ी चलाकर जाना सुरक्षित नहीं है. Now, अब आप क्या करेंगे? You insist that you would be able to reach the cinema hall safely. आप जिद करेंगे कि आप सुरक्षित सिनेमा हॉल तक पहुंच जाएंगे. You feel upset about missing out on the show. शो को मिस करने पर आप थोड़ा दुखी होंगे. बट अंडरस्टैंड दैट इट कुड बी रिस्की टू ड्राइव इन द हैवी रेन. लेकिन आप ये समझेंगे कि इतनी तेज बारिश में इतनी दूर चलाकर जाना बहुत रिस्की हो सकता है. तो बच्चों, मेरे हिसाब से बी सिचुएशन इज करेक्ट. आपको दुख जरूर होगा, लेकिन आप जरूर इस चीज को समझेंगे कि इतनी तेज बारिश में गाड़ी चलाकर इतनी दूर जाना सुरक्षित नहीं है. आपके टीचर ये घोषणा करते हैं कि एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन मीन्स भाषण प्रतियोगिता, कि अगले मंथ में भाषण प्रतियोगिता होने वाली है. यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग. आप उसमें भाग लेने के लिए बहुत उत्साहित हैं. बट हैव टेरिबल स्टेज फ्राइट. लेकिन आपको स्टेज से बहुत डर लगता है. नाउ टू ऑप्शंस आर देयर. यू अल्टीमेटली डिसाइड नॉट टू एंटर योर नेम फॉर द कॉम्पिटिशन. आप ये निर्णय करेंगे कि आप उस कॉम्पिटिशन के लिए अपना नाम नहीं देंगे. और दूसरा ऑप्शन है यू मेक अप योर माइंड टू प्रैक्टिस हार्ड एंड गिव योर बेस्ट शॉट. आप अपना मन बना लेंगे कि आप कठिन मेहनत करेंगे और अपना बेस्ट देंगे. तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन सही है. किसी चीज से डरकर पीछे हटना अच्छी बात नहीं है. आप अगर कठिन प्रयास करें, कोशिश करें, तो कुछ भी पॉसिबल है. सो स्टूडेंट्स, दीज वर माय आंसर्स. आपको अगर दूसरा ऑप्शन समझ आता है तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं. अब आइए पोम को शुरू करते हैं. कम टू पेज नंबर 14, रीडिंग. रीड दिस पोम That gives us an important piece of advice. इस कविता को पढ़ते हैं जो हमें महत्वपूर्ण सलाह देती है. One, we should remember all our lives. एक ऐसी सलाह जो हमें जीवन भर याद रखनी चाहिए. Find out what it is. आइए पता लगाते हैं कि वो क्या है. When things go wrong, as they sometimes will. जब चीजें गलत होने लगे, यानी बिगड़ने लगे, जैसा कि कभी कभी हो जाता है. When the road you are trudging seems all uphill. जब आपने उस सड़क को चुना हो जिस पर आप आगे जा रहे हैं वो कठिनाइयों से भरी हुई हो. When the funds are low.
जब आपके पास पैसे कम हो एंड द डेब्ट्स आर हाई और आपका कर्ज बहुत ज्यादा हो एंड यू वॉन्ट टू स्माइल बट यू हैव टू साय, आप मुस्कुराना चाहते हो लेकिन आपको दुखी होकर आहें भरनी पड़े. When care is pressing you down a bit, care यहाँ पर personification है. Personification यानी जब किसी non living thing को living मान लिया जाता है. तो जब चिंता और परेशानी आपको पीछे धकेल रही हो. Rest if you must, but don't you quit. आप चाहे तो थोड़ा आराम कर लें, लेकिन हार नहीं माने, उससे पीछे मत हटें, क्विट ना करें. As everyone of us sometimes learns, हम में से हर कोई कभी ना कभी सीखता है. And many a failure comes about, और कई बार जीवन में हमें असफलता मिलती है. When he might have won, when had he stuck it out, जब उसे लगता है कि अब वो जीत सकता था, तभी वो पीछे रह जाता है. कई बार ऐसा होता है. डोंट गिव अप दो द पेस सीम्स स्लो, चाहे आपकी रफ्तार धीमी हो आगे बढ़ने की, लेकिन फिर भी आप पीछे ना हटे और हार ना माने. यू मे सक्सीड विद अनदर ब्लो, आप एक दूसरे ब्लो से यानी एक दूसरे झटके से सफलता पा सकते हैं. कब? जब आप प्रयास करते रहें. सक्सेस इज फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट. सक्सेस क्या है? सक्सेस जो है वो हार की शुरुआत है. यानी जब आप प्रयास करते हैं तो यदि आपको हार मिलती है तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हारने के बाद ही आप फिर से प्रयास करें और आपको जीत अवश्य मिलेगी. द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट, जब आपके पास शंका के बादल गहरे हो गए हैं, मंडरा रहे हो, तो उसी के बीच से आपको हमेशा रोशनी दिखाई देगी. एंड यू नेवर कैन टेल जस्ट हाउ क्लोज यू आर, और आप नहीं कह सकते कि आप सफलता के कितने नजदीक हैं. इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार, जब आपको लगे कि अब वो बहुत दूर है, शायद वो आपके बहुत पास हो. सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, तो जब आपको बहुत कस के चोट लगे यानी आपको हार महसूस हो, उस समय क्या करना है? स्टिक टू द फाइट यानी मैदान में डटे रहना है, प्रयास जारी रखना है. इट्स व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट, तो जब आपको चीजें बहुत ही वर्स्ट लगे यानी बहुत ही बेकार लगे, बहुत ही खराब हो जाए जब सारी स्थितियां, तो भी आपको क्या करना है? तब भी हार नहीं माननी है. सो दिस वॉज पोएम रिटन बाय एडगर एल्बर्ट गेस्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम. स्टूडेंट्स प्रेस ऑन लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू सून, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे.